बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 6 को स्टार्ट किया था। हमने IIR स्ट्रक्चर के डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम कैस्केड और पैरेलल रियलाइजेशन को पढ़ेंगे। सो नाउ actually what is the need for going to cascade and parallel realization? Suppose that you have a transfer function which is huge enough and the system is very complicated, then it is very complex to make a direct form structures of it, because if you make a direct structure of it, it will be too much complicated. So what we do is we realize such structures or such system by dividing a big complicated system into smaller subsystem. So I have a complicated system which of Z, and then I will break down that system into parts. So let's suppose I have a complex system H of Z, and I divide this system, I break down this system into parts, H1 of Z, H2 of Z, H3 of Z. So in cascade and parallel realization, what we are doing, we actually divide a complex system into subsystem, and then we arrange the subsystem in either cascade or parallel depending upon how I break down them. So the arrangement of subsystems transfer functions either cascade or in parallel form depends upon that how I break the system into subsystem, कि मैंने कैसे एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को ब्रेक डाउन किया। तो जैसे मैंने ब्रेक डाउन किया तो ये डिपेंड करेगा कि अगर मैं कैस्केड जो है कैस्केड रियलाइजेशन चाहता हूँ तो उसके ब्रेक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को ब्रेक डाउन का अलग तरीका है। अगर मैं पैरेलल रियलाइजेशन चाहता हूँ तो उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को ब्रेक डाउन करने का अलग तरीका है। सो बेसिकली पर कैस्केडेड स्ट्रक्चर्स, the complex system H of Z will have subsystems H1 of Z, H2 of Z, H3 of Z, and so on, and they will be cascaded, mean they all will be multiplied. So if I break down the complicated system H of Z such that the multiplication of the subsystems make the complicated system big, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमने सिस्टम को कैस्केड कर दिया। सो हम क्या करेंगे कि H1 ऑफ Z को कैस्केड करेंगे H2 ऑफ Z के साथ, इस तरह। यानी पहला सिस्टम हमारा क्या था, X ऑफ N, और ये आपका सिस्टम का ट्रांसफ़र क्या था, H ऑफ Z, और ये आपका क्या था, आउटपुट था वाई ऑफ N। लेकिन चूंकि ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, तो मैंने इस सिस्टम को डिवाइड किया, ऐसे मैंने इसको डिवाइड किया कि दिस इज H1 ऑफ Z, H2 ऑफ Z, H3 ऑफ Z, दिस इज X ऑफ N, and this is y of n. तो मैंने क्या किया, इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को मैंने इन सिस्टम में ब्रेक डाउन किया, यानी इन तीनों का इस तरह के स्केट करने का जो इफ़ेक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, H of Z के बराबर होगा। सो आई विल हैव अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम विच आई हैव डिवाइडेड इन टू स्मॉलर सिस्टम, एंड देन इट इज़ अटैच्ड वन सिस्टम आफ्टर एन अदर is discussed. So this type of realization is called cascaded system realization,
and the subsystem will be drawn either direct form 1 or direct form 2 realization. यानी ये जो सब सिस्टम्स आपने बना दिए इसको डायरेक्ट फॉर्म 1 या डायरेक्ट फॉर्म 2 से हम इसको रियलाइजेशन यानी इसके स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं. अब हम इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो ये चीज़ जो है ये क्लियर हो जाएगी. ठीक है, सो नाउ लेट मूव टूवर्ड एन एग्जाम्पल ऑन के स्केल रियलाइजेशन. वी हैव अ ट्रांसफर फंक्शन 1 - z inverse 1 - 0.2z - 1 - 1.15z - 2. So we have to draw the cascade realization. So now let's move toward the solution. So now let's move toward the solution. As h of z is given 1 - z inverse 1 - 0.2z - 1.5z - 2. अब ये जो हमारे पास है दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम एंड वी हैव टू अरेंज दिस सिस्टम h of z into subsystems h1 of z h2 of z. यहाँ पे ये देखें कि z का पावर जो है 2 है, मैक्सिमम z का पावर क्या है 2 है, तो इस वजह से इस सिस्टम को हम h1 of z और h2 of z तक ब्रेक डाउन कर सकते हैं. अगर z का पावर -3 होता तो फिर हम h1 of z into h2 of z into h3 of z. यानी ये डिपेंड करता है कि सिस्टम के कितने रूट्स बनेंगे, सिस्टम के कितने फैक्टर बनेंगे. ठीक है, सो इस सिस्टम को आप फैक्टराइज करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ h of z 1 - z - inverse. और इसको जब मैं फैक्टराइज करता हूँ सो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - 0.5z - 1 1 + 0.3z - 1. ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ. नाउ यहाँ पे आप देखें दिस इज़ एच ऑफ जी 1 - z inverse 1 - 0.5z inverse 1 / 1 + 0.3z inverse. सो मैंने क्या किया, दिस इज़ एक्चुअली h1 of z एंड दिस इज़ व्हाट h2 of z. मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को ब्रेक डाउन किया h1 of z और h2 of z में. नाउ वी हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर. सो ये जो इंडिविजुअल h1 of z है और जो h2 of z है इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो डायरेक्ट फॉर्म 1 से भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म 2 से भी ड्रा कर सकते हैं और फिर हम इसको कैस्केड करेंगे. यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे h1 of z को ड्रा करेंगे यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन. लेट सपोज वी आर यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन. ठीक है, फिर हम उसके करीब जो है h2 of z को करेंगे और हम इन दोनों को क्या करेंगे, कैस्केड करेंगे. इन दोनों को क्या करेंगे, कैस्केड करेंगे. दिस इज़ x ऑफ n एंड दिस इज़ व्हाट y ऑफ n. सो अब हमने इस सिस्टम को अलाहिदा ड्रा करना है, इसको अलाहिदा ड्रा करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा दिस स्ट्रक्चर. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए क्या करेंगे, 3 डॉट लगाएं. यहाँ पे प्लस, इस एक डॉट के साथ प्लस, इस डॉट के साथ प्लस और इसके साथ क्या लगाए, डिले एलिमेंट लगाए. तो कितने डिलेज है, 1. ठीक है, पहले आप क्या ड्रा करेंगे, पहले आप ऑल पोल सिस्टम ड्रा करेंगे. सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, फिर क्या है, -0.5 है तो ये क्या बन जाएगा, +0.5 बन जाएगा.
ये मैंने इस सिस्टम को अभी क्या क्या ड्रा किया, अब क्या होगा, ये वन हो जाएगा और ये वन माइनस जी इनवर्स हो जाएगा, दिस इज वन। तो ये मैंने इस सिस्टम को ड्रा किया, अब मैंने इसको ड्रा करना है यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन। तो अगेन यहाँ पे तीन ड्रा करें, ये जो डॉट है इसके साथ प्लस लगाएं, इस डॉट के साथ भी प्लस लगाएं, यहाँ से डिले एलिमेंट आप ड्रा करें, ठीक है। तो एक ही डिले एलिमेंट होगा, अब क्या होगा, दिस इज़ वन, तो ये वन डायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस पॉइंट थ्री, तो ये आ गया जनाब, और यहाँ पे वन डायरेक्टली आ जाएगा। अब ये दोनों सिस्टम जो है इनको कैस्केड कर दे, तो ये दोनों सिस्टम कैस्केड हो गए, दिस इज एक्चुअली इस वन ऑफ जी, दिस इज कैस्केडेड विद इस टू ऑफ जी, दिस इज एक्स ऑफ एन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वाई ऑफ एन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैस्केडेड स्ट्रक्चर। कैस्केडेड स्ट्रक्चर में आप किस तरह सिस्टम को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर किस तरह आप इसको ड्रा करते हैं, दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड द पैरेलल स्ट्रक्चर, ओके। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पैरेलल रियलाइजेशन। नाउ फॉर पैरेलल रियलाइजेशन द सेम कंसेप्ट अप्लाइज, बट द सब सिस्टम्स विल बी एडेड and the breakdown of the complicated system into subsystem will be different from the previous. So I will have a complicated system H of Z and I will break down this system into subsystem H1 of Z, H2 of Z, H3 of Z and so on, such that when I added the subsystem, it results back the complicated system. And the individual subsystems, which is H1 of Z, H2 of Z, H3 of Z, will be realized using the direct form 1 or direct form 2 realization. But as a choice, We will always go with the direct form 2 realization. Now again, considering the previous example in which we have given a transfer function H of Z, 1 minus Z inverse, 1 minus 0.2 Z inverse, minus 0.15 Z minus 2. We have to draw the parallel realization. Okay. So now for drawing parallel realization, we have to move toward the partial fraction expansion. ठीक है, तो partial fraction expansion के लिए हम कैसे जाएंगे? Multiply both side by z square, so we will get h of z square 1 minus z minus 1 z square 1 minus 0.2 z minus 1.5 z minus 2. So we will get h of z as z z minus 1 and we will get z square minus 0.2 z 0.15. So we can write this as h of z, z, z minus 1. We can factorize this. So we will get z minus 0.5
and z plus 0.3. Now taking, dividing both sides by z, so we will get h of z divide by z, z minus 1, z minus 0.5, z plus 0.3. So now taking partial fraction, so we can write this as h of z by z. We can write this as by partial fraction. So partial fraction mein you have to find the value of a and b, and you know that how to find the value of a and b. So we get the value of a is minus 0.625, and we get the value of b is 1.625. main iske explanation mein nahi jana chahta. This is of course a question that is that you can solve from your previous knowledge. Okay, so main is equation ko is tarah bhi likh sakta hu ab ke h of z divide by z minus 0.625 z minus 0.5 plus 1.625 z plus 0.3. so multiply both side by z, we will get h of z, isko hum likh sakte hain minus 0.625 z minus 0.5 plus 1.625 z plus 0.3. सो जी इससे z कॉमन ले लें, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ h of z इज इक्वल टू माइनस 0.625 z. इससे अगर आप कॉमन ले लें तो 1 माइनस 0.5 z इनवर्स z प्लस 1.625 z 1 प्लस 0.3 z इनवर्स z. कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी कैन राइट h of z इज माइनस 0.625 1 माइनस 0.5 z इनवर्स प्लस 1.625 1 प्लस 0.3 z इनवर्स. सो दिस इज एक्चुअली h1 of z and this is h2 of z, and when we both add it, so it will give h of z. So now what we have to do, we have to draw this. अब हमने क्या करना है, original system क्या था, x of n एच आप जी था और इसका आउटपुट वाई आप एन था. अब क्या होगा, अब होगा एक्स आप एन एच वन आप जी एच टू आप जी सम वाई आप एन. तो अब हम क्या ड्रा करेंगे, इस एच आप जी की जगह एच वन आप जी ड्रा करेंगे, नीचे एच टू आप जी ड्रा करेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस विल बी पैरेलल रियलाइजेशन. ठीक है, पैरेलल रियलाइजेशन हो जाएगा ये. दिस यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन से कैसे ड्रा करेंगे. तीन डॉट लगाए, ये डॉट जो है ये प्लस हो जाएगा, ये डॉट भी प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक डिले खींचे क्योंकि इक्वेशन में. अच्छा, पहले आप लोगों ने क्या ड्रा करना है, पहले आप लोगों ने इसको यू ड्रा करना है. ठीक है, दिस इज़ 1.5, ठीक है, एंड दिस इज माइनस 0.625.
ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, आपने ये सिस्टम ड्रा कर दिया, दिस इज एच वन एफ जी। अब आपने दूसरा सिस्टम ड्रा करना है, तीन डॉट, पहले डॉट में प्लस, इसमें भी प्लस, इससे कितना डिले ड्रा करो, एक जी, ये वन डायरेक्ट आ गया, ये क्या आ जाएगा, ये वन, फिर प्लस पॉइंट थ्री है तो ये आ जाएगा माइनस पॉइंट थ्री, और ये आ जाएगा 1.625, दिस इज इनपुट। अब हमने इसको क्या करना है, पैरेलल में अरेंज करना है, दिस वाज एच वन आप जी, दिस वाज एच टू आप जी, तो इनको यू ऐड करो, और यहाँ पे दो क्या, एक्स आप इन, और इन दोनों के दरमियान एक हेडर लगाओ, और यहाँ पे लिखो वाई आप। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैरेलल रियलाइजेशन एंड कैस्केड रियलाइजेशन। इससे रिलेवेंट एक्सरसाइज प्रॉब्लम आपको इस असाइनमेंट दिए जाएंगे, आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस करना है, और मेरे ख़्याल में आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।